फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पबजी मोबाइल में हम लैग को कैसे कम करें। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है मेन चैनल क्लैश गाइड पे। आज हम जानेंगे लैग का मेन रीजन, इसका क्विक फिक्स, डाउनलोड लिंक और डिस्कॉर्ड सर्वर सपोर्ट जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जानना जरूरी है कि लैग क्या है। लैग बेसिकली बोलते हैं उस टाइम गैप को जो कि होता है आपके रियल टाइम गेम प्ले एक्शन से लेकर पबजी सर्वर पे डेटा का सिंक्रोनाइजेशन से आपको रिस्पॉन्स मिलने तक का टाइम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक फ्रेंड को मैसेज किया है, सो जितना टाइम आपके मैसेज को एक फ्रेंड तक पहुंचने से लेकर आपको रिस्पॉन्स मिलने तक लगता है वो लैग डिले है। सो मैसेज को ना केवल पहुंचना होता है बल्कि आपको रिस्पॉन्स भी मिलना होता है, जिसे हम एक कम्प्लीट साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सो अगर पिंग 70 मिलीसेकंड है, इसका मतलब आपका गेम प्ले एक्शन से लेकर सर्वर पर सिंक्रोनाइजेशन होने और आप तक सर्वर का रिस्पॉन्स मिलने तक गेम 70 मिलीसेकंड लेट चल रहा होता है। ऑफ कोर्स एक आइडियल पिंग टाइम 0 मिलीसेकंड प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, खास करके किसी एक एपिक सर्वाइवल शूटर गेम में जैसे कि पबजी इज वन ऑफ देम। पर हम लोग इसको अपने स्तर पर पिंग को ग्रेटली मिनिमाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लैग बेसिकली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें कि 3 कंट्रोलेबल है, 4th गेम ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने कितने सर्वर स्टेशन लगाए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 3 कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहला है उसमें नेटवर्क स्ट्रेंथ। सवाल ये नहीं कि आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं या 4G सेलुलर डेटा से। अगर आप जियो सिम यूज करते हैं तो आज भी जियो 3.5G की ही तरह ऑपरेट करता है। रियल 4G का पैरामीटर होता है वो आप गूगल पर चेकआउट कर सकते हो। सो बेसिकली सेलुलर डेटा या फिर 4G में हम लोग को जो स्पीड मिलता है उसमें डाउनलोड स्पीड काफ़ी बढ़िया होता है और जो अपलोड स्पीड होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। सो इस तरह के गेम में ये बेहद ज़रूरी है कि आपका जो अपलोड स्पीड है वो काफ़ी बढ़िया हो। सो बेसिकली वाईफाई सेलुलर डेटा से अच्छा माना जाता है, पर अगर आपका वाईफाई में भी लैग होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका वाईफाई राउटर का फर्मवेयर अपडेटेड है या नहीं। सो फिर आपके वाईफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आप लैग झेल रहे हो वाईफाई के अंदर में भी, तो आपको मैं एक और डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। सो फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो कि हाईली डिबेटेबल है, लोग अक्सर कहते हैं कि आपका रैम कितना, आपका प्रोसेसर कौन सा है। तो बेसिकली जब आप मोबाइल पर गेम खेले तो अगर पबजी ने कह दिया है कि आप 2GB रैम और एंड्रॉयड वर्जन 5.1 प्लस पर ये गेम चलेगा, तो इसका मतलब है कि गेम चलेगा। अब सवाल यह है कि आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हो अपने मोबाइल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप 2GB रैम पर भी अपने गेम को चला सकते हो, कौन से सेटिंग्स आपको करने हैं और कौन से ऐप उसके लिए कारगर है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने तीसरा कैटेगरी बनाया है वो है क्लटर, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड ऐप और असंगठित ऐप। तो ऐसे सारे ऐप्स जो कि आप यूज नहीं करते हो। सवाल ये भी नहीं है कि आपके मोबाइल पे कितने गेम्स भरे पड़े हैं, सवाल ये है कि कितने मेमोरी आपके रोम में है और कितने प्रोसेसर और बैकग्राउंड ऐप्स आपके वर्क कर रहे हैं पबजी गेम प्ले के टाइम पे। आइडियली जितना रोम खाली हो उतना बेहतर है, पर एटलीस्ट आपको 10% खाली रखना होता है रोम। सो फ्रेंड्स, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर, और अगर आप iOS पे हैं तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर। वहाँ पर जाकर के आपको सर्च करना है एक एप्लीकेशन जिसका की नेम है की लैब्स, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप उसके इंटरफेस पर पहुँच जाओगे, जहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक्सेप्शन लिस्ट करके आएगा और उसके नीचे में एक बड़ा सा प्लस का आइकन देखोगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जितने भी यूजर ऐप्स है जो बैकग्राउंड ऐप्स हम लोग को क्लोज करने हैं उसमें हम लोग एक एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्सेप्शन लिस्ट में प्लस सिंबल पर आइकन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, पबजी मोबाइल को यहाँ पर टिक कर लेना। तो इससे क्या होगा कि पबजी मोबाइल क्लोज नहीं होगा, बाकी जितने भी एप्लीकेशन है यूजर आपके एप्लीकेशन है वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। अगर आप इसको मैनुअली रिमूव करना चाहते हो एक्सेप्शन लिस्ट से, तो यहाँ पर सिंपली टैप करके होल्ड करना है, तो आपको यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर यूजर ऐप्स को सेलेक्ट कर लेना। तो इससे क्या होगा कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं आपके पबजी मोबाइल को छोड़ करके वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि साइमल्टेनियसली और कोई भी दूसरा एप्लीकेशन भी चलता रहे पबजी मोबाइल के टाइम पे, तो आप एक और एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर प्ले पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप प्ले पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक अलर्ट मिलेगा एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, तो उसको क्या करना है आपको यूजर सर्विस पर जा करके ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पर से आप इसको एक्टिव करने के बाद आपको डबल क्लिक करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको फिर से यहाँ पर प्ले बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्ले बटन को क्लिक करोगे वैसे ही जितने भी ऐप्स हैं आपके बैकग्राउंड में वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर से अगर आप एंड्रॉयड 8 या 9 वर्जन पर हो ऑडियो या फिर आप पाई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है सिस्टम ऐप्स को भी सिलेक्ट कर लेना है। उससे क्या होगा कि जो आपका मेन प्रोसेस है वो बना रहेगा, पर जो अनवांटेड प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में सिस्टम द्वारा चलाया जाता है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेना है प्ले बटन, और आप देख सकते हैं सारे एप्लीकेशन और बैकग्राउंड ऐप्स क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप दोनों इसका यूज
कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये ऐप मैं पर्सनली यूज करता हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा इससे एडवांटेज मिला है। इस एप्लीकेशन की खासियत ये है फ्रेंड्स कि ये एक नॉन रिटेड डिवाइसेस पर भी चल सकता है, और दूसरा जो कि बहुत ही कम एप्लीकेशन में देखा जाता है वो है बैकग्राउंड प्रोसेस को किल करना। तो बैकग्राउंड प्रोसेस जनरली किल नहीं हो पाता है नॉन रूटेड डिवाइसेस में, पर किल ऐप्स के पास वो एक्सेसिबिलिटी है कि वो अनवांटेड सिस्टम ऐप्स को भी क्लोज कर सकता है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको गेम में वापस लौटना है, और गेम में वापस लौटने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है ग्राफिक्स सेटिंग्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ग्राफिक्स HDR पर और फ्रेम रेट एक्सट्रीम पर सेट किया हुआ है मैंने। तो अगर आपका मोबाइल ज़्यादा हीट हो जाता है या फिर बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो आप अपने फ्रेम रेट को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं, तो आप हाई पर रख सकते हो। तो मैं जनरली HDR और हाई पर रखता हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपके मोबाइल में 3GB रैम है तो आप अपने सेटिंग्स को, ग्राफिक सेटिंग्स को बैलेंस्ड और फ्रेम रेट को हाई पर रख सकते हो। तो आपको स्टार्ट करना सबसे पहले लो से, फिर मीडियम और फिर हाई। अगर आपने सेटिंग्स के फ्रेम रेट को अगर आपने हाई पर रखा हुआ है और अगर फ्रेम ड्रॉप हो रहा है तो आप चाहो तो उसको मीडियम कर सकते हो। अगर उससे भी काम नहीं बनता तो आपको लो पर रखना चाहिए, क्योंकि आपको बेहतर है कि आपका एक अच्छा गेम प्ले हो, स्मूथ गेम प्ले हो, ना कि लैग से भरा हुआ गेम हो। और फ्रेंड्स अगर आपका मोबाइल 2GB रैम है, ग्राफिक सेटिंग को आपको स्मूथ पर और फ्रेम रेट को आपको मीडियम पर रखना चाहिए। अगर आपका फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर भी हो रहा है तो आप अपने फ्रेम रेट को लो पर सेट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है कि कौन सा सेटिंग्स आपके मोबाइल के लिए बेस्ट बैठता है। तो अगर 2GB रैम है तो आप स्मूथ और मीडियम पर चला सकते हो। अगर आपका मोबाइल अगर 3GB रैम का है तो आप बैलेंस्ड और हाई चला सकते हो। अगर हाई पर फ्रेम ड्रॉप हो रहा है तो आप यहाँ पर मीडियम सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसमें क्या सुझाव देना चाहते हो अपनी तरफ से। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बना दूँ तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू भी बता सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।